बॉलीवुड फिल्म मर्दानी की बात करें तो मर्दानी फिल्म हमें 2014 में देखने को मिली थी, जिसमें हमें लीड रोल में नजर आई थी रानी मुखर्जी। वहीं रानी मुखर्जी की बात करें तो रानी मुखर्जी इस फिल्म में पुलिस वाली के किरदार में यानी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आई थी, जिसके बाद ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया था। इस फिल्म की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ऑडियंस के साथ साथ इस फिल्म ने क्रिटिक्स का दिल भी जीता था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की, स्पेशली इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली क्योंकि ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी और वुमेन को एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया था इस फिल्म में। इसके बाद जब से ये फिल्म आई थी तो मर्दानी 2 को लेकर चर्चा बनी हुई थी। वहीं अगर हम रानी मुखर्जी की बात करें तो रानी मुखर्जी को भी इस फिल्म से काफी ज्यादा लगाव था और मर्दानी 2 लेकर आ रही है एक बार फिर से रानी मुखर्जी अपने फैंस के लिए। मर्दानी 2 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस फिल्म का जो टीजर है जल्दी हमारे सामने होगा, यानी 2 अक्टूबर को ये टीजर हमारे सामने आ जाएगा। ट्रेड एनालिस्ट तरण दर्श की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि 2 अक्टूबर को ये टीजर जो है रिलीज होने वाला है, जिस दिन मच अवेटेड फिल्म यानी कि वॉर भी रिलीज होने वाली है। वहीं अगर हम रानी मुखर्जी की मर्दानी 2 की बात करें तो मर्दानी 2 जब से अनाउंस हुई है तब रानी मुखर्जी ने कहा था कि स्क्रिप्ट इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे दिल के बहुत करीब है और हम जल्दी ये फिल्म लाने वाले हैं। तो फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी गई है और 13 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमा घरों में लग जाएगी। अब देखना ये होगा कि मर्दानी 2 के जरिए रानी मुखर्जी एक बार फिर से ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। आखिर में आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं गोपी पुत्रन, और इस फिल्म में भी रानी मुखर्जी पुलिस वुमेन यानी शिवानी रॉय का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। अब देखना ये होगा जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आती है तो कैसा परफॉर्म करती है।